हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ऐसे कुछ पांच जानवरों के बारे में बताने वाला हूं जो कि अमर हैं, यानी ये कि ये जानवर मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो ऐसे अमर जानवरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 5, सेलेमेंडर। दोस्तों अगर हम आपको ऐसे जानवरों के बारे में बता रहे हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि उसमें सेलेमेंडर का नाम न शामिल किया जाए। दोस्तों सेलेमेंडर एक ऐसा जीव है जो अपने घाव को भरने की अनोखी क्षमता के लिए जाना जाता है और जो अपने शरीर के किसी भी कटे हुए हिस्से को फिर से उगा सकता है। साथ ही नए अंगों के बनने के बाद उसमें किसी तरह का निशान भी नहीं रहता है। दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि सेलेमेंडर में एम ब्लॉक्स नामक एंजाइम पाया जाता है जो अंगों को फिर से उगाने में मदद करता है और इस तरह ये मरने या यूं कहें कि कट जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं। नंबर 4, टार्डीग्रेड। दोस्तों एक तरह से आप टार्डीग्रेड को एक अमर जीव कह सकते हैं क्योंकि इस बैक्टीरिया में ये पाया गया है कि जिस स्टेज पर लगभग हर जीव मर जाता है ये उसके बाद भी जिंदा रहते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि टार्डीग्रेड हर तरह के मौसम, प्रेशर और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। आप जिस हद तक बदतर मौसम की कल्पना कर सकते हैं ये जीव उस मौसम तक को झेलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब धरती किसी उल्कापिंड के टकराने से खत्म होगी या सूरज के खत्म होने पर तबाह होगी तब भी अगर कोई जीव जिंदा बचेगा तो वो होगा टार्डीग्रेड। दोस्तों क्या आप इस वीडियो के पहले टार्डीग्रेड के बारे में जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, फ्लैट वर्म्स। दोस्तों आप लोगों ने भी बचपन में केचुओं को काटकर ये देखने की कोशिश तो जरूर की होगी कि क्या सच में वो एक से दो नए केचुए बनते हैं या नहीं। पता नहीं दोस्तों आपको क्या देखने को मिला, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप एक केचुए को 20 हिस्सों में भी काट दें तो आपको 20 नए केचुए देखने को मिलेंगे और वो भी एक दूसरे के बिल्कुल कार्बन कॉपी। दोस्तों इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी एक शोध में एक केचुए को काटकर उसके लगभग 20,000 नए केचुए बनाए थे, जो इस बात को साबित कर देती है कि केचुए मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। नंबर 2, ऑक्टोपस। दोस्तों लगभग आप सभी ने इंटरनेट पर मौजूद एक आधा ऐसी वीडियो क्लिप तो जरूर देखी होगी जिसमें ऑक्टोपस के हाथों के टुकड़े हो जाने के बाद भी वो काफी देर तक हिलते डुलते दिखाई देता है, यानी जिंदा रहता है। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम काफी अनोखा होता है। उनके सारे नर्व सेल्स सिर्फ उनके दिमाग में ही मौजूद नहीं होते हैं बल्कि ऑक्टोपस के कुछ नर्व सेल्स उनके हाथों में होते हैं, जिसकी वजह से कई टुकड़ों में कट जाने के बाद भी ऑक्टोपस लगभग एक सप्ताह तक जिंदा रहते हैं। नंबर 1, फ्रॉग्स। दोस्तों वैज्ञानिकों ने कई मेंढकों के सिर धड़ से अलग कर उन पर शोध करके ये पाया है कि ऐसे मेंढक जिनके सिर नहीं होते या किसी वजह से कट कर अलग हो जाते हैं वो भी बाकी नॉर्मल मेंढकों की तरह ही प्रतिक्रिया करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ऐसा शोध करने का ख्याल यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स की एक स्टूडेंट मिस जिल फ्लेमिंग को आया था और जिल को ये ख्याल तब आया जब एक दिन जंगल में उनकी मुलाकात बिना सिर वाले एक मेंढक से जो कि बगैर सिर के भी जिंदा था। दोस्तों उस मेंढक को देखकर कई लोगों का ये कहना था कि ऐसा किसी जेनेटिक बदलाव के कारण हुआ होगा, पर बाद में शोध के जरिए ये पता चला कि मेंढक भी उन जीवों में से एक है जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों क्या आप भी इन जानवरों की तरह अमर होना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।